इसमें प्रमुख रूप से छोटे भाई ट्राइबल अपना स्वाभिमान का लड़ाई लड़ रहा है आदिवासी। कई लोग आदिवासी बनने का प्रयास कर रहे हैं, कई जातियाँ विशेषकर महतो जातियाँ जो रेल रोक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आदिवासियों को ऐसा फील हो रहा है कि सबसे पहले मैं इनको चिढ़ाया जा रहा है। आदिवासी बनना आसान नहीं है। आदिवासी बनने के लिए भारत का राष्ट्रपति ने 1950 में ही 4 क्राइटेरिया निर्धारित किया, मगर इधर आ जाओ पॉलिटिकली ये चाहते हैं कि सौदा करके हम आदिवासी बन जाएं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी लोग या अन्य सभी नमन करता हूं लोगों से किसी भी जातियों को आदिवासी नहीं बनने देना, ये संकल्प है आज की भीड़ का। विशाल हृदय के धनी सभी आदिवासियों को प्रमुख रूप से यही हमारा मांग है। साथ ही साथ हमारे आज हम ये कहेंगे अगर इसको रोका नहीं गया उनको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि कई जातियाँ आदिवासी बनने के लिए ललायित हैं। आदिवासी अधिकार महारैली के क्यों ललायित हैं पता नहीं। मंचा सिंह, आदिवासी आखिर बनना ही क्यों चाहते हैं, हमारे पान ये क्वेश्चन है। इसमें आदिवासी समाज ने समझा है कि आदिवासियों के पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, बुद्ध भगत, बिरसा मुंडा, सिधु कानू, इनके बदौलत अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, जो एक्सक्लूडेड एरिया बनाया 1874 में, जो पांचवी अनुसूची बनाया संविधान में, एट्रोसिटी एक्ट बनाया, भाषाओं को पढ़ाई के लिए कई तरह की भाषा 275(1) के तहत में 22,000 करोड़ रुपया आदिवासियों को मिलता है। ये सारी चीजें इन्हें हड़पना, लूटना, आदिवासी मुख्यमंत्री होता है, होगा आने वाला कल में होगा, पार्लियामेंट ने इस बातों का जिक्र किया। आदिवासी बने बगैर ये मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। मुखिया का पद जो अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को मिला है, इसको छीनना, इसको लेना, जमीन आदिवासियों का हस्तांतरण नहीं होता, इनको लेना, मतलब ऐसा लग रहा है आदिवासियों का सारा चीज को मैं छीन लूंगा। आप कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, आदिवासी तो आप बने नहीं, आपकी अपनी पहचान है, मगर खतरा महसूस कर रहा है पूरा समाज और हम डर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। 1969 में मीना जनजाति आदिवासी बना, उन लोगों ने वहां कहा कि हमें आदिवासी बना दो, हम वोट दे देंगे, वोट दिया, आदिवासी बन गए। अभी यूपीएससी का 60 नौकरी आती है, IAS IPS, उसमें 1 से 55 तक सिर्फ मीना ही मीना बन रहे हैं। अब जो बचा खुचा है, अगर ये महतो आदिवासी बन जाएंगे तो ये उसे भी हड़प लेंगे। राजस्थान में जो ओरिजिनल ट्राइब है, वहाँ के भील ट्राइब, गोंड ट्राइब, उनको एक सीटें नहीं मिल रही है। दिल्ली में भी सीटें नहीं मिल रही है। अर्थात आदिवासियों ने समझ लिया उसका फ्यूचर सर्वाइवल पर क्राइसिस आने वाला है। प्रोटेस्ट करना होगा, रोकना होगा, जनता को रोकना होगा, हम रोकेंगे। हमने ही बात कहा कि हम लोग MLA हैं, लेकिन हम लोग से नहीं संभव होगा, आपको रोकना होगा, आप आइए, आप आवाज बनिए, आप बोलिए, विरोधियों का आवाज को रोकिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।